आज से करीब 50 साल पहले एक गांव में काफी ज्यादा चोरियां हो रही थी, जिसके चलते गांव वालों ने सरपंच से शिकायत की। सरपंच ने गांव वालों से कहा, तुम लोगों को किस किस के ऊपर शक है? गांव वालों ने 5 लोगों को सरपंच के सामने खड़ा कर दिया, पर वो पांचों लोग कहते हैं, सरपंच जी, हमने चोरी नहीं की है। तभी सरपंच का लड़का कहता है, पिताजी, मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी, तो आज रात ये लकड़ी इन पांचों लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। बस फिर वो पांचों लोग लकड़ी लेके अपने अपने घर चले आते हैं और अगले दिन वो पांचों अपनी लकड़ी लेकर सरपंच के सामने वापस आते हैं। जब लकड़ियों को देखा जाता है तो 4 की लकड़ियां तो वैसी की वैसी ही रहती हैं, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। ये देख सरपंच को समझ नहीं आता कि ये लकड़ी छोटी कैसे हो गई। दरअसल चोर ने सोचा कि लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं लकड़ी को पहले ही 2 इंच काट लूं, ताकि सुबह लकड़ी बढ़कर पहले जैसी हो जाएगी। पर वो बेवकूफ चोर ये समझ नहीं पाया कि ये सरपंच के बेटे की तरकीब थी। वो इसलिए क्योंकि वो लकड़ी कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, इसलिए जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। और फिर क्या, सरपंच ने उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया।